तो हे गाइस, अगर आप भी एक पेटीएम यूजर हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज के दौर पे जो पेटीएम फ्रॉड चल रहा है, जो कि फेक स्क्रीनशॉट दिखा करके आपको बताएगा मैंने पेमेंट कर दिया। मान लेते हैं आपने अपने दुकान पे क्यूआर कोड लगाया, आपको पेमेंट करने के लिए कोई कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करेगा और आपको दिखा देगा कि मैंने 500 या 1000 रुपए आपको पेमेंट कर दिया, जितना भी अमाउंट बनेगा उतना दिखा देगा कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया, और आप देखेगा अपने पेटीएम ऐप को ऑन करके तो आपको नहीं मिलेगा पेमेंट। कहीं आप हिस्ट्री भी चेक करते हैं तो वहां पे शो नहीं करेगा, तो कस्टमर आपसे बोलेगा कि आप एक आध घंटे में चेक कीजिएगा, पेमेंट चला जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये फ्रॉड होता है, जो कि आपको हम इस वीडियो में पूरा लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से फ्रॉड ऐप से पेमेंट किया जाता है, जो कि आज के दौर में काफी लोग इसका शिकार हुए हैं, काफी लोग के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है और कौन सा ऐप से किस तरीके से जो पेमेंट करके फ्रॉड हो रहा है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये जो आप ऐप देख रहे हैं ये फ्रॉड ऐप है, इसी से फ्रॉड पेमेंट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपके दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है तो अगर आपके दुकान पे क्यूआर कोड लगा हुआ है तो वो क्यूआर कोड स्कैन नहीं करेगा और आपसे नंबर मांगेगा, बहाना मार देगा। ये भी बोल सकता है कि मेरा मोबाइल का कैमरा खराब है या कोई भी वो बहाना लगा सकता है। तो आप क्या करेंगे, उसको नंबर दे देंगे। तो उसको नंबर दे देंगे तो वो नंबर नोट कर लेगा, यहाँ पे नंबर लिख लेगा। नंबर लिखने के बाद ये भी पूछ लेगा कि क्या नाम आएगा। तो मान लेते हैं आपने बता दिया दीपक, ठीक है, आपने बता दिया दीपक, तो वो दीपक लिख लेगा। जो भी आप नाम बताएगा वो नाम लिख लेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्यूआर कोड लगा होता है तो वो ओरिजिनल जो पेटीएम है उसे स्कैन करके नाम मोबाइल नंबर पता कर लेता है और यहाँ पे डिटेल फिलअप कर देता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचिए, ठीक है, वो कैसे भी करके फ्रॉड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेगा, तो मान लेते हैं आपको 5000 रुपये पेमेंट करना है तो 5000 रुपये यहाँ पे डाल लेगा, ठीक है, 5000 रुपये डालिया। और यहाँ पे वो जो टाइमिंग है वो यहाँ पे टाइम भी चेंज कर सकता है, नहीं तो जो करंट टाइम होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाता है। जो भी टाइम रहता है करंट यहाँ पे ऑटोमेटिक, जो कि तुरंत वहीं का उसी टाइम का जो यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कि सबमिट पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि मैंने जो जो टैप किया वो टैप हो करके 5000 का पेमेंट हो गया। और ये आपको अगर स्क्रीनशॉट शो कर देगा कि देखिए मैंने आपको 5000 भेज दिया, और आप मान जाएंगे कि पेमेंट तो भेज दिया है। और आप पेटीएम कभी कभी चेक नहीं भी करते होंगे तो यहाँ पे पेमेंट आपके साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है। अगर आप चेक भी करते हैं और आपके पास पेमेंट नहीं आया तो आपको ऐसा भी बोल सकता है कस्टमर कि पेमेंट मैंने तो कर दिया है, कुछ देर आप वेट कीजिए पैसा चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके फ्रॉड किया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पेटीएम ऐप को ऑन करना है और चेक करना है। जब तक आपको पेमेंट नहीं आए तब तक आप कस्टमर को नहीं जाने दें। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ये फ्रॉड ऐप है, इस ऐप को आपको गलत यूज नहीं करना है। ये बस नॉलेज पर्पज के कारण हम इस वीडियो को बना रहे हैं, बस आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग भी नहीं ये फ्रॉड का शिकार हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो आप ऐप देखे हैं किस तरीके से फ्रॉड पेमेंट किया जाता है, आप लोगों के सामने मैंने लाइव दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अब बात आता है कि आपको बचना कैसे है। तो फ्रेंड्स, बचने का जो कि बहुत ही आसान तरीका सा है जिससे आप बच सकते हैं, तो फ्रेंड्स बचने का यही तरीका है कि आपको जब भी कोई पेमेंट करे तो आप पहले अपने पेटीएम ऐप को ऑन करें और उसे चेक करें कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। आपको हिस्ट्री चेक कर लेना है कि पेमेंट रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है। जब तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो तब तक आप कस्टमर को नहीं जाने दें। और दूसरा यह भी ऑप्शन है कि आप पेटीएम का जो साउंड होता है, जो कि वॉइस, आप चालू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई 500 रुपये भेजता है तो ऑटोमेटिक मोबाइल में बोल दिया जाएगा कि 500 रुपये रिसीव हुआ है, तो वो आप वॉइस को जो कि ऑन कर सकते हैं। और साथ ही आप एक साउंड बॉक्स भी मंगवा सकते हैं, जो कि पेटीएम का साउंड बॉक्स भी आता है, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करें तो आपको चेक कर लेना है कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है।
फ्रेंड्स, आज के दौर में विलेज एरिया में भी पेटीएम जो कि बहुत ही लोग एक्सेप्ट करते हैं और जो कि मोबाइल चलाने तक कभी सही से नहीं जानते, लेकिन पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं, पेटीएम से पेमेंट लेते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा सतर्क होना होगा क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप लोगों को काफी सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। तो जब भी आप पेमेंट ले, आप पहले चेक कर ले, फिर आप कस्टमर को जाने दे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।